That would have shot under nothing. Now you got your own right here. You. You got that right here. Come on, you got that right. You put all of the gender. Khalich Bela right here. Khalich Bela right here. You. You said put that here. जितना सवाल रोजगार रखने में है उतना ही सवाल जो है रोजगार के साथ रोजगार सामने में होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने इस जलसे का इंतजाम किया और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो दुनिया होती है जो शिकवे शिकायत होते हैं जो गलतफहमियां होती हैं वो यकीनन दूर होती हैं, फासले कम होते हैं और उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। इतना ही कहा हुआ कि यूं चलता रहना चाहिए। कौमी योग्यति के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए मैं ये कहूंगा हमें ये सद्भावना चाहिए कि काश अपने मुल्क में ऐसी सुविधा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी सुविधा बने मंदिर के लिए तो रंज मुसलमान को भी हो पामाल उड़ा पाए मस्जिद की आबरू, पामाल उड़ा पाए मस्जिद की आबरू, ये फिर मंदिरों के निर्माण को भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग इफ्तार पार्टी में आए हैं। हमारे शाहनवाज हुसैन साहब आए हैं, यहाँ पे हैदर आजम साहब यहाँ पे आए हैं, तो बहुत खुशी हो रहा है। मैं एक हिंदू हूँ, आज हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई साहब यहाँ पे आए हैं एक साथ मिलके यहाँ पे आज रोज़ा अफ्तारी हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आज ताजरन हो ये होटल पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और बहुत सारे मीडिया आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, एक गेट टुगेदर, सबको खुशी हो रहा है, सबको मिलके एक खुशी हो रहा है और बस आप लोग की दुआ। अभी रमज़ान का महीना है और आज ये जो ईद अफ्तार का जो त्यौहार है ये सिर्फ अफ्तार का जो सिस्टम है वो सिर्फ हमारे देश में है और ये जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं और ये एक अमन और शांति का पैगाम देता है कि हम और भाईचारा कायम रखने का देता है। दूसरा जो रोज़ा है जो सिर्फ भूखा रहना नहीं है, कुर्बानी त्याग देना है, बुरे काम से बचना है, अच्छा काम करना है, ये सब सबक देता है रमज़ान का महीना। आइए हम दुआ करें कि हम लोग इस मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाएं, इस मुल्क का हर शहरी तरक्की करे ताकि हमारा देश तरक्की करे और हमारा मुल्क 21वीं सदी में नंबर वन पे आए। बड़ी अच्छी बात है, 11 रोज़े हैं मुसलमानों के लिए, बहुत ही मुकद्दस महीना, बड़ा नेक महीना और ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया, इसके लिए मैं मुंबई प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर आशीष शेलार, हाजी अपने हैदर साहब, फारूक आजम साहब, शाहनवाज हुसैन साहब यहाँ पे आए, रजा भाई आए, हम सब लोग आए, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि ऐसे प्रोग्राम में हमेशा शामिल हों जिससे पूरे देश में भाईचारा और एकता कायम रहे। और रोज़ा जो है एक बहुत ही मुकद्दस महीना मुसलमानों का, ऐसे नेक महीने में ऐसे काम इफ्तारी का जो रखा गया ये बड़ा सवाब का काम, तो इससे एक अच्छा मैसेज आता है।